हेलो हाय दोस्त, आप लोग शानदार रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। आज का क्लास बेहतरीन होने वाला है भाई, थोड़ा हट के होने वाला है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगा। यहाँ पे क्या, मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा। यानी मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो उससे मिटा के दिखा। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, मंजिल मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल इस किस्मत को दम है तो उसे मिटा के दिखा। क्या भाई, जिद करना सीखो, जिद करना सीखो। जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो भाई। जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है, जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है भाई, उसे तुम हासिल करना सीखो। हाथों की लकीरों पर नहीं, माथे के पसीनों में होती है। जिन्होंने हाथ के भरोसे, यानी जिन्होंने किस्मत के भरोसे बैठे हैं भाई, आप लोग भूल जाइए कि मंजिल मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। अगर वर्दी का सपना है, अगर वर्दी का सपना है 20 में 20 नंबर लेना भाई, आप लोग एसके ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हमने कहा है कि जितने लोग एसके सर के दीवाने हैं, जितने लोग एसके सर के मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, वो एक बार जोरदार शेयर कीजिए, वो एक बार वीडियो जोरदार शेयर कीजिए। यहाँ पे आज सवाल क्या कह रहा है भाई, रोड में कितना है 14, यानी 14 प्लस कितना है, 14 प्लस 6 रूट में 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने उतारा रूट में कितना भाई, यहाँ पे 14 है भाई, 14 उतारा प्लस कितना उतारा 6, अंडर रूट में कितना भाई 5। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जब वर्गमूल ज्ञात करना है भाई, हमने क्या लिखा है, इसे एक वर्गमूल के अंदर, यानी 14 प्लस 6 रूट में कितना 5। अब इधर देखिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे प्लस है, प्लस आप लोगों ने इसे फार्मूले पर ही लगाना है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या भैया, हमें इस फॉर्म में लाना है या तो इस फॉर्म में लाना है, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना है, प्लस वाले फॉर्म में ले आना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 6 है भाई, 2 तिहाई कितना होता है 6, यहाँ पे 6 है भाई, हमने 6 को तोड़ा, 2 तिहाई 6, अंडर रूट में 5 है भाई, अंडर रूट में हमने 5 उतारा। अब यहाँ पे देखिए 14 है भाई, यहाँ पे 2 और 3 है ना, यानी 14 का अगर हम तोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 9 प्लस कितना आएगा 5, कितना आएगा भाई, अगर 14 को तोड़ेंगे 9 5 कितना होता है 14, 6 को तोड़ा है 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए, फिर हमने क्या बनाया, एक वर्गमूल बनाया, 9 है, हमने क्या किया 3 का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस 5 है भाई, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस यहाँ पे कितना है 2 गुणते 3 गुणते कितना अंडर रूट में 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है तो हमने क्या लिया है भाई 3, जब 3 का होल स्क्वायर करेंगे तभी तो 3 त्रिका 9 होगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट 5, अगर यहाँ पे 5 है तो अगर अंडर रूट 5 लेंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे भाई तभी तो हमारा 5 बाहर होगा। तो हम यहाँ पे देखिए 3 का एनी वर्क किया, फिर प्लस 5 है, अंडर रूट 5 का वर्क किया। अब यहाँ पे देखिए 2, इसे a मान लिया, इसे क्या मान लिया भाई p, हमने यहाँ पे क्या बताया है, इसे क्या मान लेना है a, इसे क्या मान लेना है भाई b। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला बना है। हमने रूट में क्या उतारा भाई 3 प्लस अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर, ये भाई रूट के अंदर है, बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में 5, यही हमारा क्या होगा भाई आंसर, हमारा क्या होगा वर्गमूल के, वर्गमूल पूछा है कितना हो गया 3 प्लस रूट में 5, ये हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अगर भाई आपको अगर परीक्षा में तबाही मचाना है, अगर धुआं धुआं सारे प्रश्नों करना है भाई, अगर तांडव मचाना है, ये एसके ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ जाइए।
हमने कहा है कि जिन आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एसके ग्रुप का वीडियो एक बार जोरदार शेयर कीजिए। यहाँ आप देखिए यही सारे सुनो आते हैं भाई, यही सारे तबाही प्रश्न है, यही सारे प्रश्न आपकी क्या नचा देते हैं परीक्षा में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रहा है भाई, अगर आप लोगों ने एसके सर का वीडियो नहीं लाइक किया है भाई, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार आप लोग फिर कापी कलम लेकर तैयार हो जाए। अगर वर्दी का सामना है भाई, 20 में 20 नंबर लाना है तो आपको एसके ग्रुप के साथ जुड़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 7 है, यानी पहले क्वेश्चन में क्या है 7 + 3√5, दूसरे क्वेश्चन में कितना है 7 − 3√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है भाई, फिर वही सवाल पूछा है वर्गमूल। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में प्लस भी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस भी, हमने फार्मूला क्या बताया है आपको, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a − b, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a + b। देखिए सेम वही बना है सवाल, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a − b, यानी एक क्वेश्चन में 7 + 3√5, दूसरे क्वेश्चन में 7 − 3√5। देखिए एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a − b। हमने बताया a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a − b, दूसरे क्वेश्चन a + b। हम क्या भाई वर्गमूल पूछा, हमने क्या बनाया एक वर्गमूल। अब इसे क्या करना है, इसी के अंदर लिखना है रूट के अंदर 7 + √5, फिर दूसरे क्वेश्चन में 7√, यानी 7 − 3√5। अब इधर देखिए a², अब इसे क्या मान लेना है भाई, इसे a मान लीजिए, इसे क्या मान लेना है भाई, b मान लेना है, यानी a² + b² का फार्मूला बना है। आपको क्या करना है रूट में, यानी 7² फिर माइनस, प्लस और माइनस था तो माइनस लेना है भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 3√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 7 कवर कितना होगा 49, 7 कवर कितना होता है भाई 49 होता है, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3√5 इसका गुणा करेंगे कितना होगा 45, कैसे 45 आया, अब यहाँ पे देखिए 3√5 का होल स्क्वायर है 3 × 3, यानी कितना भाई 3 कवर कितना होगा 9। अब यहाँ पे देखिए √5 बाहर हो जाएगा, 9 × 5 कितना होगा भाई 45, कैसे। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 × 3 उतारा, 5 को भी डबल बार लिखा √5, यानी 3 × 3 = 9, 5 बार मिल रहा है भाई, 5 बाहर हो गया, 9 × 5 कितना हो गया 45। अब यहाँ पे देखिए 49 में 45 घटा देंगे कितना आ गया 4, 4 किसका वर्ग है भाई 2 का, हमारा आंसर कितना आ गया भाई 2। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, √72 √72 √72 √72 √72 कहाँ तक भाई इनफाइनाइट, हमें क्या करना है भाई सरल करना है। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरह के प्रश्न आएंगे भाई कापी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आंसर आएगा। आपको परीक्षा में कापी कलम नहीं लिखना है भाई, आपको सीधा डायरेक्ट आंसर देना है परीक्षा में। अब यहाँ पे देखिए 72 है, 72 को हमें ऐसे दो खंड लेना है, यानी 72 का हमें ऐसा दो गुणनखंड लेना है भाई जिनके बीच का अंतर एक हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो भाई एक हो। अब यहाँ पे देखिए कितना होता है 72 है, अगर 8 × 9 हम 72 लेंगे भाई, कितना 8 और 9 लेंगे, यानी इनके बीच का अंतर एक ही आएगा ना। यहाँ पे देखिए 72 है, अगर 72 है भाई, अगर 72 को तोड़ेंगे यानी 8 × 9 कितना होता है 72, जिनके बीच का अंतर एक ही होना चाहिए। अगर भाई 8 में 9 घटाएंगे एक ही आएगा, अगर यहाँ पे होता है 18 × 4 = 72 भी होता है, कितना 18 × 4 = 72, 18 में से 12 घटा देंगे, 18 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा भाई 14 आ रहा है, मगर अंतर कितना आना चाहिए भाई एक आना चाहिए, हमेशा अंतर कितना आना चाहिए एक, यानी 8 × 9 = 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो एक ही आ रहा है ना भाई। तो जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो हमें क्या करना है भाई बड़ा वाला आंसर लेना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता भाई तब छोटा वाला आंसर लेना है 8, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो बड़ा वाला आंसर लेना है, कितना हो जाएगा इसका आंसर भाई 9 हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे सवाल भाई। यहाँ देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, √56 है, माइनस √56, फिर माइनस √56, फिर रूट में कितना है 56, डॉट डॉट क्या करना है भाई सरल, इसके पहले जस्ट प्लस वाला था, अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला आ गया। अब यहाँ पे देखा अगर 56 को तोड़ेंगे भाई, अगर 56 को तोड़ेंगे 7 + 8 कितना होता है भाई 56, 7 + 8 कितना होता है भाई
छप्पन इन्नी सात गुणते आठ। हमने बताया है अगर इनके बीच का अंतर, हमें दो खंड ऐसे लेना है जिनके बीच का अंतर कितना हो भाई, एक हो, यानी सात आठ छप्पन आठ में से सात घटाएंगे कितना आएगा एक। हमने क्या होता है जब यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो हमें क्या करना है, छोटा वाला आंसर लेना है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो हम क्या लेते, बड़ा वाला मान लेते। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या है भाई, माइनस है तो क्या करना है, छोटा वाला आंसर लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, सात आ जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग भाई सवाल को एक एक सवाल उतारना है आपको अपने नोट्स में, यही सारे सवाल भाई, यही सारे प्रश्न। यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, रोड में सात, रोड में सात है प्लस रोड में सात है प्लस रोड में सात, फिर प्लस रोड में कितना है भाई सात। ये भाई यही सारे प्रश्न आएंगे। इसके पहले क्या था, हम तोड़ रहे थे जिनके बीच का अंतर एक है, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई सात। अगर सात को तोड़ेंगे कहाँ टूट रहा है भाई, सात एकन्नम सात आ रहा है ना, जब इसे सात को तोड़ेंगे सात एकन्नम कितना आ रहा है भाई सात, यानी इनके बीच का अंतर छह ही आ रहा है ना। हमें कितना लाना है भाई, इनके बीच का अंतर एक हो। ये सब क्या है हमारे क्या, यही सब सारे सवाल भाई, यही सारे सवाल एसएससी जीडी में ऐसे तरह के आते हैं भाई। जैसे होता है किसी निमंत्रण में, क्या भाई अगर किसी निमंत्रण में अगर किसी को बिना कार्ड के बुला लिया जाए क्या होता है, बिना कार्ड वाले निमंत्रण के आते हैं लोग, वैसे भी बिना परीक्षा में, हर परीक्षा में भाई यही सारे प्रश्न आ जाते हैं बिना कहे, यानी बिना प्रैक्टिस सेट के भाई। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, हर परीक्षा में यही सारे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, कोई भाई चाइना सवाल नहीं है ना, तो ये कोई चाइना माल है यहाँ पे कोई एसके सर यही ना, तो यहाँ पे भाई एसके सर बता रहे हैं ये कोई चाइना ट्रिक नहीं बता रहे, कोई चाइना माल नहीं है, एसके सर खुद इस ट्रिक को बनाए हुए हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब ये हमारे क्या ये फूफा की कैटेगरी में आते हैं, किसके आते हैं भाई, फूफा की कैटेगरी में आते हैं, जीजा की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इन्हें नाराज हो जाते हैं, मैंने बहुत समझाना पड़ता है, यह क्या है जैसे अगर इन्हें ये सब क्या है ऐसे सवाल भाई, जब जिनका खंड ना हो ये सब क्या आते हैं, फूफा की कैटेगरी में आते हैं या तो जीजा की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सात है, कह रहा हमें भी ऐसी दवा दीजिए, हमें भी ऐसा ट्रिक दीजिए, हम भी क्या है शांत होकर बैठ जाएं। अब क्या है इन्हें हम ट्रिक दे रहे हैं, कौन सा ट्रिक देना है भाई, जब खंड ना हो, तो जब इसका खंड ना हो फार्मूला आपको यह लिखना है चार ए प्लस वन, कितना लिखना है भाई चार ए प्लस वन फिर प्लस वन बट्टे कितना भाई दो। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे लास्ट में प्लस करना है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, अगर प्रश्न में माइनस होगा यहाँ पे माइनस कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में हमने कितना उतारा, चार है तो चार उतारा गुणा चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए ए, ए को कितना मानना है सात, फिर प्लस एक है तेक, अब फिर देखिए लास्ट में प्लस एक है तेक, नीचे कितना है भाई दो, रोड में कितना उतारना है सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस से कितना हो गया भाई उन्तीस, लास्ट में एक है तेक कितना आ गया भाई दो। तो हमने क्या होता है भाई, जब कोई रिश्ते जैसे जीजा और जब कोई फूफा जब नाराज हो तो उन्हें ऐसा भी ट्रिक देना चाहिए, वैसे ही हमारा क्या है भाई सवाल। हमने बताइए सारे सवाल जीजा की कैटेगरी में आते हैं या तो फूफा की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर देखिए हमने फर्म ट्रिक क्या दिया है भाई, इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूं ट्रिक क्या है, अंडर रूट में चार ए प्लस वन फिर प्लस वन बटे टू, यही हमारे क्या है भाई ट्रिक। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे भाई, जब अखंड नहीं होगा तो हमें इसी तरह के उन्हें ट्रीटमेंट करना है, इसी तरह उन्हें क्या भाई दवा करना है, इसी तरह से हमें इसी सूत्र पर उन्हें रखना है। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, अंडर रूट में नाइन है फिर माइनस अंडर रूट में नाइन है फिर माइनस अंडर रूट में नाइन डॉट डॉट इनफाइनाइट सरल के, जब ये भी आ गया बोली कि अब हमको भी ऐसा टिक दीजिए। अब ये भी बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए ताकि हम भी शांत होकर बैठ जाएं। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, प्लस वाला था, अब क्या आ गया भाई माइनस वाला आ गया है। हमने बताया जब यहाँ पे माइनस हो, अब नौ है तो नौ को तोड़ेंगे, यानी जिनके बीच का अंतर एक होना चाहिए। अब कितना होता है भाई नौ एक नम नौ, इनके बीच का अंतर आठ आ रहा है ना, तो हमें बीच का अंतर कितना होना चाहिए भाई एक होना चाहिए। जब इस तरह के प्रश्न आ जाए भाई, जब खंड ना हो, यानी आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं भाई, ये आपको ट्रीटमेंट करना है परीक्षा में। अगर परीक्षा में टाइम को बचाना है तो हमें क्या भाई चाहिए, ट्रिक चाहिए परीक्षा में। अब हमने यहां पे क्या लिखा रहा, यानी चार ए फिर प्लस वन फिर माइनस वन
बटे कितना भाई, दो। यही हमारा क्या है भाई, ट्रिक है। अब यहाँ पे अंडर रूट में चार, हमने चार उतारा, यहाँ पे ए का मान कितना है नौ, फिर प्लस कितना है भाई वन, फिर माइनस वन, नीचे कितना है भाई दो, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस में मिला देंगे कितना आ गया भाई रोड में सैंतीस, माइनस वन है तो नीचे कितना है भाई दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल उतार लीजिए या साथ स्क्रीन कर लीजिए सारे सवाल भाई सस्सी जी। यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, इकतीस बटे सैंतीस, इकतीस बटे सैंतीस, अट्ठाईस बटे छत्तीस, तिरालीस बटे पचपन, इकसठ बटे पैंसठ में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। आपसे एग्जामिनर परीक्षा में चार ही प्रकार का सवाल पूछेगा भाई, या तो आरोही क्रम पूछेगा, या तो अवरोही क्रम पूछेगा, या तो छोटा पूछेगा, या तो बड़ा पूछेगा। एग्जामिनर भाई परीक्षा में चार ही प्रकार के इस पर सवाल पूछता है, या तो पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तो बढ़ते क्रम पूछेगा, या तो घटते क्रम, यानी बढ़ते क्रम मतलब भाई आरोही क्रम, और वही मतलब होता है घटते क्रम। एग्जामिनर चार ही प्रकार का सवाल पूछता है। अब यहां पे देखिए सवाल क्या पूछा एग्जामिनर, बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है भाई, बड़ी संख्या बताना है। अब यहां पे देखिए 31, 31 में 37 का अंतर कितना है भाई, यहां पे 6 का अंतर है, कितना है भाई 6 का अंतर, 28, 28 और 36 में अंतर कितना है भाई 8 का अंतर है, 43 और 45 यानी 43 और 55 में अंतर कितना है भाई 12 का अंतर है, यानी 61 और 65 में अंतर कितना है भाई 4 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 31 है भाई, हमने 31 उतारा, जो अंतर है कितना है 6, फिर यहाँ पे 28 ऊपर लिखा भाई, नीचे अंतर कितना है 8, इस यानी 43 लिखा भाई, अंतर कितना है 12, फिर यहाँ पे कितना लिखा 61, अंतर कितना है भाई 4, यानी 6 8 12 और 4, यानी जो हर में लिखा है भाई, यानी 6 8 12 और 4 कैल्शियम कितना होगा 24। क्या करना है, इसी दोनों में 24 से सम में भाई मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुणा कर देना है, क्या कर देना भाई गुणा कर देना है 24। अब यहाँ पे कितना है 61 बटे 4 गुणते कितना भाई 24, देखिए कट रहा है 6 कन्नम 6, 6 चौका 24, 8 कन्नम 8, 8 त्रिका 24, 12 कन्नम 12 दुनिया 24, 4 कन्नम 4, 4 छंग 24, गुणा किए 4 कन्नम 4, 4 तिहाई 12, 124, 8 त्रिका 24 हासिल, दो दो तिहाई छ, छ दो आठ, यानी दो तिहाई छ, चार दुनिया आठ, छ कन्नम छ, छ छंग छत्तीस, यानी छ कन्नम छ, छ छंग कितना आ गया भाई 36। देखिए कि जिसका मान ज्यादा आएगा, जिसका मान ज्यादा आएगा वही हमारा क्या होगा भाई बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मान 6 बटे 61 बटे 65 का मान कितना आया 366, यानी कितना आया 366, हमारी बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा भाई, यानी 61 बटे क्या हो जाएगा 65 बड़ी है, क्या है भाई बड़ी है। मैं बगा, और जिसका मान सबसे कम आएगा भाई वही हमारा क्या होगा सबसे छोटा, सबसे मान सबसे कम किसका मान आया 84, यानी 28 बटे 36 हमारा क्या हो जाएगा भाई छोटा हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए या साथ स्कैन कर लीजिए सारे सवाल भाई इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 100 और 200, यानी 100 है 100 और 1000 के मध्य, 100 और 1000 के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 100 और 1000 भाई, 100 और 1000 के मध्य, मध्य मतलब होता है बीच, चाहे अब यहाँ पे बीच लिखा हो चाहे मध्य लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होता है। 100 और 1000 के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब क्या भाई पूछा है हमने, ये 100 में क्या करना है, 100 में 7 से भाग कीजिए, जब भाग करेंगे भागफल कितना है भाई, मैं शेष फल से नहीं मतलब है, भागफल से मतलब है अगर 7 100 में भाई अगर 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 14 बार, कितना बार जाएगा भाई 14 बार। ना देखिए 7 इकन्नम 7, 2 बच्चा 0, 7 दुनिया यानी 7 इकन्नम यहां पे 3 बच्चा, कितना बच्चा भाई 3 0, 7 चौक 28, कितना बच्चा भाई 2। हमें शेष फल से नहीं मतलब है भाई, हमें भाग फल से मतलब है, कितनी बार गया भाई 14 बार। अब क्या करना 1000 में, 1000 में भाई अब क्या करना है, 7 से भाग देंगे कितना आएगा 142 आएगा, कितना आएगा भाई 142 बार जाएगा। अगर नहीं आ रहा देखिए 1000 में
एक हजार में सात से भाग करना है, सात एकन्नम सात बच्चा भाई तीन, जीरो तारा सात चौक अट्ठाईस, दो बच्चा जीरो, सात दुनिया चौदह। भाई हमने बताया हमें शेष फल से नहीं मतलब है, हमें भाग फल से मतलब है। यानी देखिए जब सौ में सात से भाग दिया चौदह बार गया है, एक हजार में सात से भाग किया एक सौ बयालीस बार गया है, बस कुछ नहीं करना है भाई, इसी दोनों का अंतर कर लेना है। क्या करना है, इसी दोनों का अंतर, एक सौ बयालीस में चौदह घटाएंगे कितना आएगा, एक सौ अट्ठाईस, कितना आया भाई एक सौ अट्ठाईस। सौ और एक हजार के मध्य, सौ और एक हजार के मध्य ऐसी संख्याएं जो सात से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, कितनी संख्याएं भाई, एक सौ अट्ठाईस ऐसी संख्याएं जो सौ और एक हजार के मध्य सात से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी सात से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगा। मैं भगौला जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या साठ स्क्रीन कर लीजिए सारे सवाल भाई, यही सारे सवाल जहरीला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, आठ सौ तिरासी, आठ सौ तिरासी गुणते आठ सौ तिरासी माइनस एक सौ सत्रह गुणते एक सौ सत्रह। कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं इस दोनों का गुणा करेंगे, इस दोनों का गुणा करेंगे, लास्ट में दोनों का आंसर घटा लेंगे। भाई जितने में आप गुणा करेंगे उतने में क्या भाई आप चार सवाल हल कर लेंगे। हमें क्या चाहिए भाई, ट्रिक चाहिए, हमें फार्मूला चाहिए कि ताकि हमारा जल्दी आंसर आ जाए, हमें परीक्षा में हमें माँ बाप के फिक्र को क्या भाई फक्र में बदलना है, उस माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तुम्हें मंजिल तक जाना है। भाई हमें क्या करना है, परीक्षा में ट्रिक चाहिए, हमें फार्मूला चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आठ सौ तिरासी गुणते आठ सौ तिरासी माइनस एक सौ सत्रह गुणते एक सौ सत्रह। अब यहाँ पे देखिए भाई, आप इसे ए मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए भाई, बी मान लीजिए। आप लोगों ने ये फार्मूला सुना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ लोगों को याद भी होगा, अगर नहीं याद होगा भाई आप लोग अभी तुरंत याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला था है एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए दो बार है भाई, हमने क्या किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में क्या लिखना है भाई, आठ सौ तिरासी माइनस एक सौ सत्रह, दूसरे कोष्टक में आठ सौ तिरासी प्लस एक सौ सत्रह, यानी कितना भाई, आठ सौ तिरासी माइनस एक सौ सत्रह, आठ सौ तिरासी प्लस एक सौ सत्रह। अब यहाँ पे देखिए ये उधार दिया तेरह, तेरह में से सात गया कितना बच्चा भाई, छः। अब यहाँ पे सात, सात में से गया कितना बच्चा भाई, छः। अब यहाँ पे आठ, आठ में से एक गया कितना बच्चा भाई, सात। गुणा चिन्ह आठ सौ तिरासी में, अगर आठ सौ तिरासी में भाई एक सौ सत्रह जोड़ लेंगे, आठ सौ तिरासी में एक सौ सत्रह जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, एक हजार, कितना आएगा एक हजार। अब हमने बताया है अगर आपको चालीस में पचास से गुणा करना है, आपको जीरो जीरो नहीं गुणा करना है भाई, सीधा अंक अंक गुणा करना है, चार पंजे बीस या पांच सौ बीस भाई डबल जीरो उतार लेना है। अगर पंद्रह सौ में अगर आपको साठ से गुणा कह दिया जाए, पंद्रह छक्का कितना भाई, नब्बे, एक दो तीन जीरो, तो आपको तीन जीरो उतारना है। इसी तरह इसमें भी सात सौ छाछठ एकन्नम सात सौ छाछठ भाई तीन बार जीरो, हमें तीन बार जीरो उतार लिया भाई, ये हमारे क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या साठ स्क्रीन कर लीजिए भाई, सारे सवाल भाई यही सारे सवाल, यही सारे तबाही प्रश्न है जो एसएससी जीडी में हर बार पूछा जाता है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। एक बार आप लोग जितने लोग यश के सर के मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, जितने लोग मोहब्बत यश के सर के देवता हैं, वो एक बार जोरदार वीडियो शेयर कीजिए, आप लोग एक बार जोरदार शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने भाई अगर यश के सर से पढ़ लिया है, आप लोग 100% मोहब्बत करना छोड़ देंगे, मोहब्बत करना छोड़ देंगे आप लोग। हमने क्या होता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।